हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बढ़ते हुए कोल प्राइसेस के बारे में। जिस तरीके से यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस चल रहे हैं, उसी के चलते हुए यहाँ पे कोल प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा बढ़त दिखाई दे रही है। रशिया पे यहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शंस लगाए गए हैं और ये सैंक्शन की वजह से यहाँ पे जो कोल प्राइसेस हैं ये ऑलरेडी रिकॉर्ड स्तर छू रही हैं। अभी के लेटेस्ट अगर हम प्राइस की बात करें तो वो अभी पहुँच गए हैं $440 पर टन, जो कि रिकॉर्ड हाई लेवल है। अगर हम यहाँ पे रशिया की बात करते हैं तो रशिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कोल का, जो कि यूज़ होता है पावर जनरेशन में। अब अगर रशिया पे ही यहाँ पे सैंक्शन लगाए गए हैं तो बाकी की जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनके लिए किल्लत हो जाएगी यहाँ पे कोल की, और इन्हीं के चलते हुए कंसर्न्स रेज हो रहे हैं कोल प्राइसेस पे। तो चलिए इसी के रिलेटेड देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमें अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे सकती है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है कोल इंडिया का। इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है 180। पी रेशो इसका अभी भी बहुत कम है, जो कि है 8.78 अगर हम सेक्टर पी से कंपेयर करते हैं, जो कि है 22.88 का। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल रेवेन्यू कंपनी के जो वो अच्छे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेट इनकम में भी बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। ईपीएस भी यहाँ पे 11.34 से बढ़कर हो गया है 20.61। मतलब कंपनी जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा इंप्रूव करते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 66.13% हिस्सेदारी प्रमोटर की है। प्रमोटर का यहाँ पे जीरो प्लेज है, जो कि बहुत बढ़िया बात है कंपनी के लिए। म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे 9.17% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। DII 12.09, FII 6.59 और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 6.02% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। न्यूज में अगर जाने तो देखिए, कोल इंडिया जो है अभी बल्क एक्सपोर्ट करने वाला है फर्स्ट टाइम, वो भी हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको। उसमें जो इंक्लूडेड कंट्रीज है वो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इन सारी कंट्रीज को अभी जो कोल इंडिया है ये कमर्शियल बेसिस पे, मतलब बहुत ही ज्यादा पैमाने पे अभी यहां पे कोल एक्सपोर्ट करने वाला है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। अब अगर हम यहां पे टेक्निकल चार्ट की बात करें तो ये है कोल इंडिया का डेली चार्ट, और यहाँ पे हमारी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो अभी भी इंटैक्ट है। जितनी बार जो स्टॉक है कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, वहाँ से बहुत ही अच्छा यहाँ से बाउंस देता है। यहाँ पे रिसेंटली उसने 200 के जो हाई लगाए थे, फिर से यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है वो रीटेस्ट हुआ और यहाँ से फिर से इसने 200 के फिर से यहाँ पे हाई दिए हैं। इसके पहले भी हमने कोल इंडिया हमारे चैनल पे कवर किया है, जहाँ पे हमने इसके 200 के भी टारगेट बताए थे। अब अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट उसका दे दिया है, और ब्रेकआउट के बाद हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट है वो भी रिटेस्ट हुआ है। अभी ये जो स्टॉक है ये 200 DA में जो रेजिस्टेंस है इसके वजह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अगर ये स्टॉक आने वाले दिनों में यहाँ पे 200 के लेवल अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। रीजन, क्योंकि ये जो स्टॉक ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया है, तो अगर ये स्टॉक यहाँ पे 200 के जो लेवल है ये सस्टेन करता है तो उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट आते हुए स्टॉक जो है 220 से लेके 240 के लेवल भी मिड से लेके लॉन्ग टर्म में दिखा सकता है। और जो नए निवेशक हैं उनको अगर यहाँ पे बाय करना है तो हमारा जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ऑलमोस्ट यहाँ पे 160 के जो लेवल है, इसके आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी नए निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है 161, यानी कि GMDC। इसका पी रेशो अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हाई है, वो है 130.80 पे, जबकि सेक्टर पी इसका 22.88 पे है। फाइनेंशियल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फाइनेंशियल्स यहाँ पे टोटल रेवेन्यू घटते हुए दिखाई दिया है, और उसी के साथ नेट इनकम है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा घटत हुई है। ईपीएस है वो भी 10.90 से यहाँ पे -1.24 हो गया है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 74% हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। DII 2.49% लेकर चल रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 1.71 और रिटेल इन्वेस्टर 21.79 की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट की अगर बात करते हैं तो देखिए, ये है इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी है, रिसेंटली ही स्टॉक ने इसका बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे उसने रीटेस्ट भी लिया था, और उसके बाद यहाँ पे अप ट्रेंड रैली जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। तो जिन लोगों ने इस स्टॉक में यहाँ पे निवेश किया है उनको तो यहाँ पे बने रहने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 180 का। तो हो सकता है ये स्टॉक अगर 180 के आसपास जाता है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होते हुए या फिर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनेगी, और यहाँ से ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ फिर से आ सकता है। अब जो नए निवेशक हैं उनको अगर यहाँ पे
पे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जो कि पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ब्रेकआउट के बाद ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर ये स्टॉक इन केस यहाँ पे नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे 120 के आसपास बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक किसी को यहाँ पे 120 के आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और उसके बाद अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 180 के जो लेवल है ये अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद मिड से लेके लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में 220 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 220 का। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने कवर की है आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। और अगर ऐसी बात है तो हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।